वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए बेस्ट ईयरफोन या हेडफोन कैसे चूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कौन सा ब्रांड परचेस करना चाहिए, कौन सा ईयरफोन या हेडफोन परचेस करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही अपने लिए बेस्ट से बेस्ट ईयरफोन या हेडफोन परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अदरवाइज आप काफी कुछ मिस कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। गाइज, नॉर्मली हम सभी लोग ईयरफोन या हेडफोन यूज करते हैं, इन्हें परचेज करते हैं, बट इनमें कौन से फीचर्स होने चाहिए, इसके वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होनी चाहिए, कहीं जो हम ईयरफोन यूज कर रहे हैं वो हमारे कानों को डैमेज तो नहीं कर रहे, और हमें बेस और विदाउट बेस के लिए कौन से ड्राइवर चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में मैं आपको दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईयरफोन या हेडफोन में यूज होने वाले ड्राइवर के बारे में। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, डायनामिक ड्राइवर और न्यू डायमियम ड्राइवर। गाइस, बेबी को तो बेस पसंद है, बट आपको क्या पसंद है? तो अगर आपको भी बेस पसंद है तो आप डायनामिक ड्राइवर वाले हेडफोन या ईयरफोन यूज करें, और अगर आपको विदाउट बेस पसंद है तो आप न्यू डायमियम वाले ड्राइवर्स परचेस करें। अब बात करते हैं इसकी ड्राइवर साइज के बारे में। तो ईयरफोन का ड्राइवर साइज कम होता है कंपेयर टू हेडफोन, क्योंकि ईयरफोन का साइज छोटा होता है और हेडफोन का साइज बड़ा होता है। तो नॉर्मल ईयरफोन में ड्राइवर का साइज हमें मिलता है 8 से 12 मिलीमीटर, एंड हेडफोन में जो ड्राइवर साइज यूज किए जाते हैं उनका साइज होता है लगभग 40 mm से 100 mm तक। एंड थोड़ी सी हाई क्वालिटी की ईयरफोन्स या हेडफोन्स के अंदर एक से ज्यादा ड्राइवर्स लगे रहते हैं, और जो कि काफी महंगी ईयरफोन्स आती है जिनकी प्राइस रेंज लगभग 1 लाख के समथिंग होती है, तो उसमें हमें 4 से 5 ड्राइवर्स मिल जाते हैं। महंगी ईयरफोन्स में जो ड्राइवर्स लगे होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए अलग होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अलग होते हैं, मिड फ्रीक्वेंसी के लिए अलग होते हैं, जिससे उनकी साउंड क्वालिटी तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं। सो गाइस, ड्राइवर साइज का तो एक ही फंडा है, जितना बड़ा उतना बेटर। आप जब भी कोई ईयरफोन या हेडफोन परचेस करें तो पहले ये देखें कि उसका ड्राइवर साइज कितना है। अगर उसका ड्राइवर साइज ज्यादा होगा तो आपको बेटर साउंड क्वालिटी मिल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो ईयरफोन्स है, इसका ड्राइवर साइज है 8 mm, इसका ड्राइवर साइज है 10 mm, तो इन दोनों में से इसकी साउंड क्वालिटी काफी बेटर होगी। तो आप जब भी ईयरफोन या हेडफोन परचेस करें तो उसका ड्राइवर साइज जरूर चेक कर ले। अब बात करते हैं इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस को ओम में मेजर करते हैं। आप जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको कुछ नंबर्स दिखाई देंगे जिसके आगे ओम का साइन होगा, जो कि हेडफोन या ईयरफोन का इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस बेसिकली रेजिस्टेंस होता है, जिसका मतलब है कि आपके ईयरफोन या हेडफोन के वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। नॉर्मल ईयरफोन्स या हेडफोन्स में 32 ओम तक का इम्पीडेंस देखने को मिल जाता है। तो इम्पीडेंस जितना कम होगा उतनी ही आसानी से करंट फ्लो होगा, बट आपको उसमें थोड़ी हिजिंग साउंड आएगी। तो आप थोड़े ज्यादा इम्पीडेंस का ईयरफोन या हेडफोन परचेस करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये दो ईयरफोन है, इसका इम्पीडेंस है 20 ओम और इसका इम्पीडेंस है 32 ओम, तो इसके अंदर आपको ज्यादा बेस्ट साउंड क्वालिटी मिलेगी। बट अगर आप ईयरफोन या हेडफोन को एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं तो एम्पलीफायर के लिए आपको हाई इम्पीडेंस के ईयरफोन्स या हेडफोन्स परचेस करने होंगे। आप अपने एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ईयरफोन या हेडफोन परचेस करें, जिससे कि आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी सुनने को मिलेगी। देन आती है फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज को हर्ज में मेजर किया जाता है, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, जिसका मतलब होता है कि आपका ईयरफोन या हेडफोन कितनी फ्रीक्वेंसी को प्ले कर सकता है। एंड गाइस, हम लोग नॉर्मली 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक सुन पाते हैं, इसमें 20 हर्ज स्टार्टिंग रेंज है, बट ईयरफोन्स हेडफोन्स में फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग यूज की जाती है। तो आप पहले ये डिसाइड करें कि आपको क्या सुनना ज्यादा पसंद है। अगर आपको बेस सुनना ज्यादा पसंद है तो आप ये देखिए कि किसकी स्टार्टिंग रेंज कम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये दो ईयरफोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 15 हर्ज से 22 किलो हर्ज तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 12 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक। तो इसकी स्टार्टिंग रेंज है 15 हर्ज और इसकी स्टार्टिंग रेंज है 12 हर्ज। अब अगर आपको बेस पसंद है तो इस ईयरफोन को परचेस करें, और अगर विदाउट बेस क्लियर वॉइस पसंद है तो इस ईयरफोन को परचेस करें। इसके बाद बात करते हैं SPL, साउंड प्रेशर लेवल। ये डेसिबल में दिया होता है। साउंड प्रेशर लेवल का मतलब है कि आपको कितना आउटपुट मिल रहा है अपने ईयरफोन के थ्रू, और आप कितना लाउड वॉइस सुन पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका साउंड प्रेशर लेवल है 90 डेसिबल और इसका साउंड प्रेशर लेवल है 100 डेसिबल। अगर मैं इस मोबाइल की वॉल्यूम फिक्स कर दूं और एक एक करके इन दोनों ईयरफोन को कनेक्ट कर दूं तो इस वाले ईयरफोन की वॉल्यूम ज़्यादा सुनने को मिलेगी। तो डेसिबल का मतलब है आपकी ईयरफोन या हेडफोन में जितना ज़्यादा डेसिबल दिया गया होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी ईयरफोन या हेडफोन लाउड होगी। अब बात करते हैं THD, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। गाइस, आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि जब आप कोई म्यूजिक सुनते हैं और आप उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देते हैं तो उसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो इस केस में डिस्टोर्शन जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा। नॉर्मल ईयरफोन्स में 1% तक डिस्टोर्शन देखने को मिलता है, बट हाई क्वालिटी की ईयरफोन्स में 1% से 0.1% तक डिस्टोर्शन होता है। सो गाइस, ईयरफोन या हेडफोन परचेस करने से पहले याद रहे कि डिस्टोर्शन कम से कम हो। लास्ट में है वायर लेंथ। अगर कोई ईयरफोन है जिसकी वायर क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसका वायर भी ज्यादा लंबा है तो आपको साउंड क्वालिटी थोड़ी कम मिलेगी, बट अगर कोई ईयरफोन जिसकी वायर क्वालिटी अच्छी है और उसकी वायर की लेंथ भी ज्यादा है तो उसकी साउंड क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब मैं देता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, बट अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस। सबसे पहले कि आप 90 डेसिबल से ऊपर बिल्कुल भी सॉन्ग वगैरह ना सुने और ना ही रेगुलर सुने, मतलब कि बस एनी टाइम लगे रहते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि जब हम ज्यादा देर तक लाउड वॉल्यूम के कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो हमारे कान उसको अडेप्ट कर लेते हैं और हमारे लिए वो लाउड वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम हो जाती है, जिसे बोलते हैं हियरिंग लॉस या कम सुनाई देना। तो आप नॉइस कैंसिलेशन वाले ईयरफोन या हेडफोन परचेस करें, जिससे आपको कम वॉल्यूम पर ही क्लियर साउंड मिल पाएगा। सो गाइस, मैंने आपके लिए बेस्ट ईयरफोन सेलेक्ट किए, जिस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। एंड आप एक दूसरे की ईयरफोन यूज ना करें, और अगर करते हैं तो इसे साफ कर ले, क्योंकि इससे आसानी से ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। एंड लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि इनका यूज जितना कम हो सके उतना कम करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें। इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।